Hello students, welcome to my channel. In this channel I will teach the chemistry in simplest way. Today's our topic is atomic structure ka topic hai, Heisenberg's uncertainty principles and solving the questions on this uncertainty principle. Now let's start the session. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज मीन बाय अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी मीन्स एवरीथिंग इज अनसर्टेनिटी. तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स क्या है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एंड दिस मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी. इलेक्ट्रॉन्स कैन बिहेव एज अ ड्यूअल नेचर. इलेक्ट्रॉन्स ड्यूअल नेचर बिहेव करता है, दैट इज इट बिहेव बोथ पार्टिकल्स एंड वेव्स. दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सम कैन गिव अ सम रेस्ट्रिक्शंस. तो रेस्ट्रिक्शंस कौन से है कि हम एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ देयर कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज सच एज पोजिशन एंड वेलोसिटी और पोजिशन एंड मोमेंटम्स डिटरमाइन नहीं कर सकते. तो नील्स बोहर ने क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्क्यूलर पाथ विथ फिक्स वेलोसिटी फिक्स मोमेंटम एंड फिक्स एनर्जी. तो ये फिक्स वेलोसिटी से अगर रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को हम देख नहीं सकते क्योंकि ये फिक्स वेलोसिटी और फिक्स एनर्जी से रिवॉल्व हो रहा है. इलेक्ट्रॉन्स की हम एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम्स कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो यही हमें हिसनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कहा है कि वी कैन नॉट डिटरमाइन साइमल्टेनियसली पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. दैट इज दिस इलेक्ट्रॉन्स आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एंड वी कैन नॉट डिटरमाइन इट्स पोजिशन एंड मोमेंटम एक्यूरेटली. तो इसके लिए हमें हिसनबर्ग्स साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन दिया है. इक्वेशन है इफ डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ पोजिशन. अनसर्टेनिटी इन डिटर्मिनेशन ऑफ पोजिशन एंड डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन डिटर्मिनेशन ऑफ मोमेंटम. डेल्टा एक्स इज द डिटर्मिनेशन ऑफ पोजिशन एंड डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी डिटर्मिनेशन ऑफ मोमेंटम of a very small moving particles, then according to the Heisenberg's, then their equation is delta x into delta p is always greater or equal to h upon 4 pi. अगर हम उसकी momentum and position calculate करेंगे तो ये always क्या होगी greater or equal to h upon 4 pi, where h is the Planck कॉन्स्टेंट. इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम बिकॉज मोमेंटम इज द मास इंटू वेलोसिटी एंड डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी. वाइल डेल्टा वी इज द अनसर्टेनिटी इन डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एम इज द मास ऑफ दैट पार्टिकल्स. तो ये इक्वेशन से क्या क्लियर होता है, फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट मिनिमम इज द अनसर्टेनिटी इन साइमल्टेनियसली डिटर्मिनेशन ऑफ पोजिशन एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम. मीन्स स्मॉलर द मास, एम अगर स्मॉलर होगा तो अनसर्टेनिटी क्या होगी ग्रेटर होगी. स्मॉलर द मास अनसर्टेनिटी इज द ग्रेटर. इफ डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल दैट इज पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज नोन मोर और लेस. तो पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स नोन होगा हमें, इट इज मोर और लेस एग्जैक्टली. इफ डेल्टा वी इज द लार्ज वेलोसिटी इज द लार्ज. इफ वेलोसिटी इज द लार्ज दैट इज अनसर्टेनिटी इन डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी वुड बी लार्ज. तो उसकी अनसर्टेनिटी क्या होगी वेलोसिटी की, इट इज अ लार्ज. फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते व्हाट शुड बी द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, मतलब डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है. इफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी दिया है हमें 1 × 10⁻²⁻² ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड. वैल्यू ऑफ एच दी है, प्लैंक कॉन्स्टेंट की वैल्यू दी है. तो हमें अनसर्टेनिटी इन पोजिशन फाइंड आउट करना है व्हेन मोमेंटम इज 1 × 10⁻²⁻ एंड मोमेंटम इज 0. दैट इज डेल्टा पी इज इक्वल टू 1 × 10⁻²⁻
ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो इसके लिए हमें अनसर्टेनिटी इन पोजिशन क्या होगी, मतलब फाइंड आउट क्या करना है हमें, डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है एट दिस मोमेंट। एच की वैल्यू हमें दी है जूल सेकेंड में, तो इसे हमें कन्वर्ट करना होगा केजी में, दैट इज 1 × 10⁻²⁷ केजी। क्वेश्चन हम किस में करेंगे, मीटर पर सेकेंड, 10⁻²⁷, मतलब 3 × 5, 5 और 2 कितने हो गए, 7, दैट इज डेल्टा पी इज 1 × 10⁻⁷ केजी। तो हमारा इक्वेशन क्या है डेल्टा पी के लिए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, इट इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। वैल्यू पुट आउट करेंगे, दैट इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी यहाँ पे मल्टीप्लाई, दैट इज एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा पी। पुटिंग ऑल वैल्यूज, एच की वैल्यू है 6.6252 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 × हम पाई की वैल्यू 3.14 पुट आउट करते, 3.14 × डेल्टा पी की वैल्यू है 1 × 10⁻⁷34 − 7 इज द −27। तो हम इसे हम कैलकुलेट करते, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, अगेन 3.3126 डिवाइडेड बाय 2, 3.14 × 10⁻²⁷ अगेन 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6। नाउ 1.663 डिवाइडेड बाय 3.14 × 10⁻²⁷। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट निकाल लेते, दैट इज 10⁻⁴, 10⁻², मतलब 10⁻²⁻² ऊपर आ जाएगा, एंड 10⁻², एंड 10⁻²⁷ इज द 10⁻²⁹, दैट इज 16563 डिवाइडेड बाय 314 × 10⁻²⁹। तो हम इसे कैलकुलेट करते, 1663 डिवाइडेड बाय 314, इसे हम डायरेक्टली 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 = 15 आ जाएगा, मतलब 5 × 4 = 20, 5 × 1 = 5, 7, 5 × 3 = 15, दैट इज 5 1 5 7 0 6, 15 − 7 इज द 8, 6 − 6 = 0, देन 3, तो 3 × 2 = 6 करेंगे तो इंटू 2, 6 × 2 = 4, 2 = 8, 2 = 6, दैट इज 2 6 × 2 = 8, 13 − 8 इज द 5, 6 − 3 इज द 3, दैट इज 35। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 52। तो हम इसे क्या करते, 2 डिजिट्स ले लेते, दैट इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 0.52 × 10⁻²⁷ मीटर। दिस इज द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन वेर मोमेंटम इज 1 × 10⁻³ kg मीटर पर सेकेंड। इफ मोमेंटम इज 0, अगर मोमेंटम 0 है, मीन्स डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स इज द इन्फिनिटी, बिकॉज डेल्टा पी अगर 0 है तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, डायरेक्टली इन्फिनिटी आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एमसीक्यू है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेर मास इज 9.1 × 10⁻²⁸ ग्राम मूविंग विथ वेलोसिटी दिए एक्यूरेट अप टू 0.01% विल बी 4 h/4π यूज करना है। इन अनसर्टेनिटी एक्सप्रेशन में हमें h/4π यूज करना है, वेर h की वैल्यू दी है 6.626 × 10⁻²⁷ अर पर सेकेंड। तो हम इसे सॉल्व करते, तो v दिया है 3 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक्यूरेसी 0.001%। तो हम फाइंड आउट क्या करेंगे, डेल्टा v फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा v फाइंड आउट करेंगे 3 × 10⁴ × 0.001% एक्यूरेसी, मीन्स 0.001 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम 100%। तो इसे कैलकुलेट करेंगे
2 and 10 raised to 2 cancel, that is 300 into this means 0.3 आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा x इंटू डेल्टा p की वैल्यू का हम क्या पुट आउट करेंगे, डेल्टा p इज द m इंटू डेल्टा v, दैट इज m इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन 4 pi. वी कैन फाइंड आउट द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, देयरफॉर डेल्टा x इज इक्वल टू h अपॉन 4 pi m डेल्टा v. द वैल्यू इंटू दिस इक्वेशन, दैट इज h की वैल्यू है प्लैंक कॉन्स्टेंट 6.626 into 10 raised to minus 27 divided by 4 into h की pi की वैल्यू पुट आउट करेंगे हम 3.14 into m 9.1 into 10 raised to minus 28 into डेल्टा v दिया है 0.3. तो हम इसे सॉल्व करते, तो 27 एंड 28 मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 1. हमने अभी ये कैलकुलेशन किया तो क्या आया था यहाँ पे 0.52. अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया, दैट इज डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3.14, तो क्या आया था आंसर 0.52 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 0.3 इंटू 10 रेस टू 1 माइनस 1 बाकी है, दैट इज दिस 2 पॉइंट एंड 2 पॉइंट गेट कैंसल, ये माइनस 1 देन प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज 520 डिवाइडेड बाय 273. दैट इज हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, दैट इज 1.93 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अवर राइट आंसर. नाउ इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स एंड क्वेश्चंस ऑन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स. देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू.